20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं खान सर के, और 20 मिलियन सब्सक्राइबर किसी सेलिब्रिटी का है, राइट? मान लो राखी सावंत का है। तो क्या सेम दोनों ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग किया है, पर्सनल ब्रांड बड़ा किया है, दोनों का हैशटैग रैंक होता है, तो क्या दोनों लोगों की क्रेडिबिलिटी सेम है? नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फोविजन। अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं या YouTube पे पढ़ाते हैं, तो आज ये वीडियो स्पेशल होने वाली है आपके लिए। आज मैं बात करने वाला हूँ पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर, और कैसे आप केवल YouTube के इनकम पे डिपेंड ना होके और भी इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हैं थ्रू योर पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग। पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है? जब आपका पर्सनल ब्रांड बड़ा होता है, जैसे खान सर हैं, जैसे ओझा सर हैं, देवी कीर्ति सर हैं, राइट? अगर आप एजुकेशन में बात करें, YouTube पे हैं, टेक्निकल गुरुजी हैं, वी मेक क्रिएटर हैं, राइट? टेक्निकल योगी हैं, मनोज दे हैं, इन्होंने क्या किया, अपने नाम को बड़ा किया है। जब नाम को बड़ा करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी हाई हो जाती है। कोशिश ये करें, जब भी आप पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी पे ज़रूर ध्यान रखें। अब ये आप सोचेंगे क्रेडिबिलिटी क्या होती है, तो क्रेडिबिलिटी ये होती है कि हमारे नेटवर्क में या हमारे साथ उठने बैठने या हमें पसंद करने वाले लोग कैसे हैं, ठीक है? जितने मैच्योर लोग होंगे, जितने सुलझे हुए लोग होंगे, उतनी आपकी ब्रांड बिल्डिंग और बड़ी होगी, राइट? अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 10-20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं खान सर के, और 20 मिलियन सब्सक्राइबर किसी सेलिब्रिटी का है, राइट? मान लो राखी सावंत का है। तो क्या सेम दोनों ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग किया है, पर्सनल ब्रांड बड़ा किया है, दोनों का हैशटैग रैंक होता है, तो क्या दोनों लोगों की क्रेडिबिलिटी सेम है? नहीं, जमीन और आसमान का अंतर है। लोगों ने पर्सनल ब्रांड तो बना लिया दोनों ने, लेकिन क्रेडिबिलिटी खान सर की कुछ अलग है और राखी सावंत की कुछ अलग है। जब भी ब्रांड आपके पास आएंगे अपना प्रोडक्ट लेके, मैं इनकम की बात करता हूँ, जब आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है, राइट, तो आपकी पहले क्रेडिबिलिटी चेक होती है, तो आपकी ऑडियंस कैसी है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो ऐसे यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, उनको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता, व्यूअरशिप कितनी भी हो, सब्सक्राइबर कितने भी हो। तो इसीलिए बोला हूँ पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। तो आप YouTube पे आए हैं तो अपने ब्रांड को बड़ा करिए, राइट वे में बड़ा करिए, क्योंकि YouTube की फिक्स एज है। एक एज के बाद आपके व्यूज डाउन होंगे, सब्सक्राइबर डाउन होंगे, फिर आप परेशान होंगे अगर केवल आप YouTube की इनकम से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप टीचर हैं तो कोशिश करिए कि जब आप YouTube शुरू कर रहे हैं उसी दिन से आपके कोचिंग का एक एप्लीकेशन या एक आपका वेबसाइट हो। आप क्या करें, अगर आप कोई स्टूडियो बनाए हैं, राइट, जैसे डिजिटल बोर्ड लगा के, या आप नहीं भी बनाए हैं तो कोशिश करिए कंटेंट रिकॉर्ड करिए। मान लीजिए आप 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पहले 10th का आप जो मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, तो मैथ्स का पूरा चैप्टर आप रिकॉर्ड कर लीजिए। साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस का पूरा चैप्टर आप रिकॉर्ड कर लीजिए, राइट? अब रिकॉर्ड करके आप उसको बच्चों को सेल कर सकते हैं, या फेसबुक या गूगल ऐड के थ्रू भी सेल कर सकते हैं, राइट? अब धीरे धीरे आपका यूट्यूब बड़ा हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे यूट्यूब से बड़ा आपका एप्लीकेशन हो गया, आपका रेवेन्यू फिक्स हो गया थ्रू द एप्लीकेशन। यूट्यूब से अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो एप्लीकेशन से पता चला आप 1,000 कमा रहे हैं, इतना अंतर हो जाता है। एक्चुअली मोनेटाइजेशन या मोनेटाइज जो बोलते हैं ना, यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, क्यों यूट्यूब? यूट्यूब तो बहुत छोटी सी चीज़ है। यूट्यूब को केवल आप एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म समझिए, और उस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट राइट समय राइट टाइम पे लॉन्च कर दीजिए, राइट? अपना एक लैंडिंग पेज बना के, चाहे वो एप्लीकेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके वेबसाइट के फॉर्म में हो, तब आप क्या करेंगे, YouTube पे आएंगे और हर वीडियो में बोलेंगे कि आप हमारे कोर्स को चेकआउट करने के लिए दिए गए एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। अगर बच्चा आपके पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग से, आपके टीचिंग मेथड से अगर
अच्छा लग रहा है उसको या पसंद आ रहा है तो जाके वो चेकआउट करेगा और आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। एक बार ऐप डाउनलोड हो गया तो आप जो भी नया कोर्स अपलोड करेंगे, ऑफर अपलोड करेंगे, पीडीएफ अपलोड करेंगे, ऑटोमेटिक वो नोटिफिकेशन चला गया। और यही एप्लीकेशन नहीं है आपके पास तो आप क्या लॉस करते हैं, सोचिए आप, राइट। और आज के ज़माने के एप्लीकेशन जो बन रहे हैं, जो टीचर के आपके अपने नाम से बन रहे हैं, वहाँ आप अपनी लाइव क्लास ले सकते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास रख सकते हैं, आप पीडीएफ रख सकते हैं, बच्चों से पेमेंट ले सकते हैं, चैट कर सकते हैं, आप और भी टीचर से ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। तो आपका वो कंप्लीट डिजिटल कोचिंग हो जाता है जो आपके नाम से गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड होता है। तो आप स्किल को सीखिए, समझिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए अपने आप को। सिंगल इनकम सोर्स केवल YouTube नहीं है, YouTube जस्ट अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। जो YouTube के साइंस को समझ गया वो कहीं और पहुंच गया। आज फिजिक्स वाला अगर एप्लीकेशन नहीं होता, केवल YouTube चैनल होता, तो क्या वो यूनिकॉर्न बन पाते? कभी नहीं। यूनिकॉर्न वो कैसे बने? एप्लीकेशन से कोर्स सेल करके, यूट्यूब के इनकम से नहीं, राइट। आज दिव्य कीर्ति सर, दृष्टि IAS हर जगह खुल रहा है, क्या YouTube की वजह से? नहीं, उनके अपने कोचिंग और एप्लीकेशन की वजह से। तो आप भ्रमित मत होइए। स्टार्ट योर ओन ब्रांड और पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के बिहा पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करिए, ठीक है। तो अगर आपको एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए, जानकारी बोला बनवाइए कहीं और से, राइट। लेकिन पूरी जानकारी पहले आप यहाँ से लीजिए। एक दो सॉफ्टवेयर कंपनी हमारे पास भी है जो अच्छा स्कोर कर रही है, अच्छा काम कर रही है, हम आपको या हमारी टीम आपको सजेस्ट कर देगी। अच्छा लगता है तो यहाँ से आप करवाइए, नहीं अच्छा लगता है तो पूरा भारत आपका है। लेकिन समझिए पहले, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, उस पर काम करिए, आज से काम करिए, अच्छी बातें करिए, बुरी बातें मत करिए, राइट। और अच्छे वे में अपने ब्रांड को ड्राइव करिए। तो आज ही अपने कोचिंग को, अपने YouTube चैनल को डिजिटल लेके जाइए, अपने नाम से एप्लीकेशन लैंडिंग पे या वेबसाइट बनवाइए, नहीं तो आप अदृश्य होंगे। पता चला YouTube डाउन हुआ तो आपका करियर भी डाउन होगा। तो कम से कम YouTube जब तक पीक पे है, जब चल रहा है, जब स्टार्ट किए हैं, तो पैरेलल में आपका एक बिजनेस और भी स्टेबल हो गया, फिर YouTube से कोई मतलब ही नहीं। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कॉल ज़रूर करिए, हमारी टीम आपका इंतज़ार कर रही है। थैंक यू सो मच।